नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, कंगना रनौत ने बता दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था, बताया किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया। जी हां, आपको बता दें कंगना रनौत दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस में शुरू से ही एक से बढ़कर एक बयान दे रही थी, और इसी बीच एक बार फिर से कंगना रनौत ने सामने आकर के बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड के गेंगबाजों ने ही खत्म किया है। ये वही बॉलीवुड का गेंगबाज है जो कि बेहद ही खतरनाक है, और ये अपने से आगे बढ़ता हुआ किसी को देख नहीं सकता है। आपको बता दें बॉलीवुड में जब भी कोई नया टैलेंटेड एक्टर आता है और अपने दम पर नाम कमाने की कोशिश करता है और खूब ज़्यादा कामयाबी पाने लग जाता है, तो उसके बाद जो बॉलीवुड में बड़े आका बैठे हुए हैं, जो बड़े डायरेक्टर हैं, वो उनको रोकने की पूरी कोशिश करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका कारोबार ना बैठ जाए, और इसी वजह से वो अपनी ऐसी कोशिशों को अंजाम देते हैं जिसमें कई बॉलीवुड के एक्टरों की जान जा चुकी है और कईयों की और भी जा सकती है। इसी वजह से कंगना रनौत ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। साथ ही साथ कंगना रनौत ने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत पागल थे जो उन्होंने ऐसे बॉलीवुड के गेंगबाजों की बातों में आकर अपने आप को खत्म करने जैसा बड़ा फैसला लिया। कंगना का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत चाहे कितने भी परेशान थे, लेकिन उनको इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था, और बल्कि उनको अपने दम पर और आगे बढ़ना चाहिए था और बॉलीवुड के गेंगबाजों को ही परेशान कर देना चाहिए था। तो जिस तरह से कंगना रनौत ने बयान दिया है उससे एक बात तो साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ज्यादा तड़पाया गया और फिर जाकर के बॉलीवुड के गेंगबाजों ने ही खत्म कर डाला। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।